थैंक यू गाइस फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। क्या लगता है हम लोग कहाँ हैं? What's up people and I'm back और आज हम जा रहे हैं राजमाचे। तो आज ट्रैक करेंगे हम, वैसे भी हम ऑलरेडी इसे ट्रैक करते रहते हैं बट आज पहला व्लॉग है ट्रैकिंग का, मैं सोचा शूट भी कर लेता उसको। सो यार मुंबई से राजमाचे अराउंड 90 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है बट मज़ा आएगा। और हम लोग 60 किलोमीटर आगे आ गए, रिटर्न 60 किलोमीटर वापस आया, तो 120 किलोमीटर हम लोग रिटर्न आए। सो गाइस और हमारा ट्रिप जहाँ जाना था 90 किलोमीटर था, तो हम लोग यहाँ पे हमारा साथ 300 रुपए का पेट्रोल बचा हुआ है और आगे पेट्रोल पंप नहीं मिला तो हम शायद धक्का मारना पड़े, तो उसका ब्लॉग ले लेंगे। तो गाइस जैसे ही हमें 60 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा, तो गाइस हमारा फ्यूल भी ख़त्म हो गया, तो अभी हम फ्यूल भरा रहे हैं यहाँ पे। तो अमित निर्भय ड्राइव कर रहे हैं, क्या कहना चाहेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो जिंदा हो, 12 किलोमीटर बाकी है। हाँ, जैसे ही guys all set and sahil pata nahi kya kar raha hai set chalo chale ye and achi pata nahi kya kar raha hai। so guys ek galti ho gaya mr perfect se jo ki akshat hai, wo trek karne aaya hai wo aur pramod batayega niche wo shoes lana bhul gaya sala trek pe aaya chalna so chalo let's go। Thank you।
फोटो सेशन। यहाँ पे हम लोग ने ब्रेक लिया हुआ है। ये प्रमोद ऊपर है, अमित जा रहा है अभी नचिकेत, 2 घंटे ट्रिक किया रहेगा शायद, पर बहुत थक चुके हूँ मैं, तो थक चुका हूँ, आदत मतलब इतना स्टैमिना नहीं है मेरा। साहिल की हालत पूरी टाइट है, इसलिए नची है जो थोड़ा स्पोर्ट्स में है जो कर रहा है। यस रोल, और हमें ऊपर जाना है। यहाँ पे टॉप है, यहाँ ये 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 हाँ हाँ इधर फक हालत खराब हो गई है। ये रहा नीचे, अब दिख नहीं रहा था। और यहाँ ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लोग एनर्जी डाउन नहीं हुआ अभी तक इतना खेल के भी। ये देखो इसकी हालत ठस है, इसकी हालत खराब हो चुकी है, चेहरा लाल हो गया। अरे ये नॉर्मल है, मैं अभी तक नॉर्मल हूँ, दिख रहा था आके ऐसा बैठा था, पहले पहुंचा था लेकिन उधर आके ऐसा सोया था, नॉर्मल बोल रहे थे। मजा आया, आई मीन काफी थक गया, ये अब तक का सबसे ज्यादा हम मैंने मैंने चढ़ा मतलब ट्रक के लिए। चले फिर पैकअप, मिलते हैं ऊपर डायरेक्ट। ये ट्रैक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने 12:15 को ट्रैक चालू किया था और 3:15 हो चुके हैं, फोर्ट अभी भी दूर नजर आ रहा है। सो गाइस, जैसे यहाँ पे बहुत गर्मी है और हम लोग अभी तो पहुँचे नहीं है और हमारा सारा पानी खत्म हो चुका है। हम लोग ये ऐसे 10 बॉटल लाए थे खाली, हमें लगा काफ़ी कम होगा डिस्टेंस जाने में। तो गाइस अभी मैं यहाँ से पानी भर के पीने वाला हूँ, पता नहीं अच्छा है कि नहीं। क्या कलर दिखा? एकदम साफ है, पानी बहुत क्लीन है। टेस्ट कैसा दिखता है? क्लीन है, क्लीन है, क्लीन है। पानी अपने बिस्लरी जैसे था, मतलब मुंबई से शायद ज्यादा ही अच्छा होगा आई गेस। और इसके लिए भी भर लेता हूँ। गाइस यहाँ बहुत गर्मी है, हमको लगा था बारिश होगी, एक छोटा सा फॉल है और यहाँ बहुत मच्छर काट रहा है और हमारे पास पानी भी नहीं था, पर मजा आ गया ना, ठंडा पानी काफी। सो निर्भय, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्टॉप पॉइंट मिलेगा इतने ऊपर, ये जगह यहाँ रहने की होगी हमें पता नहीं था। सो साहिल, इस जगह के बारे में अंकल ने क्या बताया कि ये 2 अलग अलग फोर्ट्स हैं और एक का नाम मनोरी है और एक का नाम मुझे पता नहीं, मैं भूल गया। एंड उसको राजमशी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो लोग मतलब अगर कोई उनको पूछता है पहले के ज़माने में, अगर मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो वो लोग बोलते थे कि ये राजमाची मतलब माई होम टाउन और माई फोर्ट ऐसे। सो इस तरीके से इस फोर्ट का नाम राजमाची। राजमाची हमें ये मशरूम मिला है, इसको खा सकते हैं। अंकल ने कुछ नाम बोला मराठी में, कोई समझा नहीं, बट खा सकते हैं। तीन प्रकार पड़ता खाए तो बाकी चीज आते थे विषय जैसा। ओए थैंक यू गाइस फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कीप फंकिंग। एंट्रेंस पर तो आ गए सब जाते और इतना सब करने के बाद ये मिला। सो गाइज, वी फाइनली सेटल डाउन एट अ प्लेस। क्या लगता है हम लोग कहाँ हैं? हम लोग ये चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, हम करते हैं। हाँ प्लीज आप मत करिए। So
केव है और देखते हैं कि अंदर क्या है। सो गाइस फाइनली कितने घंटे ट्रैकिंग किया हमने? चार घंटे हम लोगों ने ट्रैकिंग किया, चार घंटे से ज़्यादा, आप 4.5 घंटे, और हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ का व्यू काफ़ी सेक्सी है, उसको अक्षर शूट करेगा अभी, आपको दिखाएगा कैसा व्यू है यहाँ का। और हम ये 3-4 पहाड़ क्रॉस करके आए। सो गाइस अभी 5 बज चुके हैं और अभी हम लोग टॉप पे खड़े हैं, और यहाँ पे अभी बहुत जल्दी अंधेरा होता है, तो जाने में भी हमको आने में एक्चुअली 4.5-5 घंटे लगे, तो जाने में तो थोड़ा कम ही लगेंगे, बट 2 तो लगेंगे मिनिमम। लेकिन हम लोग बेस्ट देंगे अपना कि अंधेरे से पहले उतर जाए, नहीं तो रास्ते बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। ब्रो फीट तो हम लोग अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें बहुत भूख भी लग रही है, और ऑलरेडी 5:30 हो चुका है, और जैसे 6:30 अंधेरा हो जाएगा, 3 घंटे का ट्रैक और बाकी है। तो लेट्स सी, फटाफट निकलते, जल्दी जाते हैं, और मज़ा आया, ऑसम ट्रिप था। होप आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा होगा, हम ऐसे ही करते रहेंगे, आप ऐसा हमें बताते रहना कहाँ कोई और ट्रैक होगी जो और इससे अच्छे इंटरेस्टिंग होगी, हम वहाँ पे भी जाके ब्लॉग करेंगे, और स्पॉन्सर कर सकते हो तो हम लोग दूर दूर भी आएंगे। हाँ हाँ, और आपको मिलेंगे भी ज़रूर। नीचे मिलते डायरेक्ट अभी। चेक पॉइंट गाइस, आप लोग को पता ही था कि यहाँ पर हम लोग सब लोग थके मरे पड़े थे, आते टाइम हम लोग नॉन स्टॉप आए यहाँ तक, और ये पॉइंट आप लोग को याद ही होगा, और अभी सब लोग की एनर्जी रिस्टोर हो चुकी है। देखिए नीचे वहाँ जाना है हमें, और अब रिटर्न जर्नी में हम दोनों अकेले पड़ गए, पीछे हम लोग, सब लोग आगे निकल गए। कैसा लग रहा है ब्रो, कैसा था एक्सपीरियंस? ऑसम एक्सपीरियंस, और सन काफ़ी ऊपर है, सो हम लोग पहुँच जाएंगे उजाले में। नो टेंशन ब्रो। हमारा प्यारा सा स्टॉप आ चुका है, जहां हम अभी कुछ देर के लिए आराम करेंगे, थोड़ा खिलाएंगे। ये देखें लोग कैसे चिल कर रहे हैं।